श्री अरुण पुरी जी, आज तक के सभी साथी और भारत के करोड़ों दर्शक जो आज तक के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये पवित्र दिन है, हम सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे प्रिय बापू और हम सबके एक और प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। मैं सबसे पहले तो इन दोनों महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी पुनीत और पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। आज का ये अवसर बहुत ही विशेष है और विशेष इस अवसर पर अगर मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्मरण ना करूं, जिनके बारे में अभी अरुण पुरी जी ने कहा कि शायद वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, तो ये कार्यक्रम शायद अधूरा रहेगा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनको सारी दुनिया ने सम्मान दिया है। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए सबने कहा, लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री ने बापू को सच्ची श्रद्धांजलि अगर दी है तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे हमेशा इस बात का बहुत आनंद हुआ है कि उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान 2 अक्टूबर 2014 को भारत के अंदर प्रारंभ किया और उस अभियान के बाद भारत में कितना मूल परिवर्तन हुआ है ये हम सब भारतवासियों ने देखा है। ऐसे ऐसे शहर वो देश के सबसे स्वच्छ शहर बन गए, ऐसे ऐसे गांव वो एशिया के सबसे स्वच्छ गांव बन गए जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर जागृत किया, उसको हर प्रकार से पोषित किया और मैं हमेशा याद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा था तो उन्होंने देशवासियों से एक बात कही थी कि अगर इस देश के अंदर 1000 महात्मा गांधी भी पैदा हो जाएंगे या इस देश के अंदर 1 लाख नरेंद्र मोदी भी हो जाएंगे तो भी वो सब मिलकर इस देश के अंदर स्वच्छता और दूसरी मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इस देश के 140 करोड़ लोग ये हृदय से, मन से और आत्मा से किसी भी आंदोलन को अपना आंदोलन समझकर जुड़ जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से बड़ा कठिन कार्य भी वो सुगमता के साथ उसका हल निकल जाएगा। और यही सब कुछ हमने पिछले 5-6 सालों के अंदर देखा। आज 6 साल हो गए हैं उस अवसर को जब प्रधानमंत्री जी ने वो पवित्र अपील भारत के लोगों से की थी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं अरुण पुरी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिनको प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए एक बड़े एम्बेसडर के रूप में चुना और वो लगातार पिछले 6 साल से इन सफाईगिरी अवार्ड्स के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता को देश में फैलाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इस वर्ष जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुझे याद है कि 8 जनवरी को हमने पहली मीटिंग की थी और अभी 8 अक्टूबर आने वाला है, पूरे 9 महीने हो गए सारे देश को कोरोना के खिलाफ संघर्ष करते हुए। और इस 9 महीने के अंदर जिस प्रकार से सारे देश ने, सारी सरकार ने, सारे समाज ने मिलकर, सारे मीडिया ने मिलकर कोरोना के खिलाफ इस संघर्ष को किया है, सारा देश बधाई का पात्र है। अरुण पुरी जी, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ,
मैं ये जानता हूँ कि स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे मीडिया के लोग अगर उसमें अपना सहयोग करें तो सारे देश को अगर वो पॉजिटिव हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, प्रमोटिव हेल्थ के लिए और हेल्थ एजुकेशन को देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए अगर एक आंदोलन को विकसित करने में आपके जैसे चैनल अगर इस काम में लग जाएं और आपके साथ साथ दूसरे मीडिया के लोग भी अगर इस काम में लग जाएं तो जो वर्षों से हम सब लोगों ने अपने मन में सपना देखा है कि भारत में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ फॉर ऑल और हेल्थ का एक सोशल ऐसा मूवमेंट विकसित करना चाहते हैं जिसको देखकर सारी दुनिया गर्व करे, भारत को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने डीएनए पर दोबारा से विश्वास हो जाए। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस दिन आपने ये काम अपने हाथ में लिया, हमारे को हमारा सपना साकार करने में निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं उन सब कोरोना वॉरियर्स को, जिनको कि आज आप सम्मानित कर रहे हैं, ये तो एक सिंबॉलिक कार्यक्रम है, लेकिन देश में हजारों लाखों हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स, हमारे अस्पतालों में काम करने वाले सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के और पता नहीं कितने प्रकार के कोरोना वॉरियर्स ने विषम से विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों को खतरे में डालकर जिस प्रकार से काम किया है उसको हमने सबने, हमारे सारे देशवासियों ने और विशेषकर जो लोग दुर्भाग्य से कोरोना के शिकार हुए हैं और जिनको अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा है, उन सब ने उन दृश्यों को बहुत नज़दीक से देखा है। आज का ये अवसर उन सब कोरोना वॉरियर्स को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करने का अवसर है। मैं आपके इस अवसर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ इन कोरोना वॉरियर्स की माताओं को और इन कोरोना वॉरियर्स के फैमिली मेंबर्स को भी सम्मानित करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। सारे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला। 9 महीने से देश को तकलीफ है, हमारे कोरोना वॉरियर्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते थके नहीं, जबकि शायद थक सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी एक भी देश में ऐसी माता नहीं है जिसने अपने कोरोना वॉरियर को, अपने बेटे को, अपने परिवार के सदस्य को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए घर से बाहर जाने के लिए मना किया हो। ये अवसर उन माताओं को हृदय की गहराइयों से नमन करने का है। अरुण पुरी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने यूँ तो सांकेतिक तौर पर समाज के संगठन, आपने अस्पताल और दूसरे लोगों को आज सम्मानित किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कोरोना वॉरियर्स की जिनको आप शायद भूल गए या शायद आपने संकोचवश उनको सम्मानित नहीं किया। वो कैटेगरी है मीडिया के, हमारे जर्नलिस्ट की। ये जर्नलिस्ट भाई हमारे, इनको मैंने 9 महीने देखा कैसे इन्होंने ग्राउंड जीरो के ऊपर अस्पतालों के अंदर, कोरोना वार्ड्स के अंदर, सब प्रकार के प्रोग्राम्स के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं था। कितने सारे हमारे जर्नलिस्ट भी बीमार हो गए, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट जो है उन्होंने अपने प्राण भी इस कोरोना के खिलाफ युद्ध के अंदर जो है गंवा दिए। मुझे ध्यान है कि मेरे पास एक बार जर्नलिस्ट ने आकर रिक्वेस्ट किया कि आप जर्नलिस्ट के लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव टेस्टिंग फैसिलिटी निर्माण कर दीजिए। मैं टेस्टिंग फैसिलिटी अलग से उनके लिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता था कि व्यवहारिक तौर पर बहुत सारे लोग समाज में ये कहेंगे कि हमारे लिए भी अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटी निर्माण करिए, लेकिन मैंने देखा इस सब के बावजूद, मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस सब के बावजूद एक भी जर्नलिस्ट को मैंने ऐसा नहीं देखा जो कि अपने काम से पीछे छूटा हो। और कोरोना के खिलाफ जंग में जिस प्रकार से हमारे मीडिया ने साथ दिया, मीडिया ने सारे देश को जागरूक किया, समय समय पर सारी जानकारियां हम लोगों के माध्यम से देश के लोगों के साथ शेयर की, ये देश जिस प्रकार से दूसरे कोरोना वॉरियर्स का हृदय से आभारी है, उसी प्रकार से
हम सब आप सब मीडिया के लोगों के भी आभारी हैं, और जब भी कोरोना के खिलाफ जंग का इतिहास आने वाले समय में लिखा जाएगा तो उस कोरोना वॉरियर्स की सूची में जर्नलिस्ट का, मीडिया का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैंने जब WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी तो सारे दुनिया के सामने अपने भाषण में मैंने भारत के मीडिया को कोरोना वॉरियर के रूप में संबोधित किया और सारी दुनिया ने इस बात को अप्रिशिएट किया, सारे दुनिया ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर जो है इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इसलिए आप जब भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करें तो मीडिया के कोरोना वॉरियर्स को आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना भूलें, ये मेरी आपसे अपील है। आने वाले समय में हम सबकी कामना है कि इस कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग बहुत जल्दी समाप्त होगी, और जब ये समाप्त होगी तो आने वाले वर्ष में हम एक नेशनल कोरोना वॉरियर्स डे के रूप में सारे देश के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए इतिहास में इनके नाम को हमेशा के लिए अंकित करने के लिए इस सारी व्यवस्था को निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज कराएंगे। आपने बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि किस प्रकार से विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सारी सरकार ने मिलकर किस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, किस प्रकार से एक लैबोरेटरी से लेकर और 1869 लैबोरेटरी तक हम लेकर गए, किस प्रकार से जो चीज़ें हम भारत के अंदर इम्पोर्ट करते थे वही PPE किट, वही N95 मास्क, वही वेंटिलेटर, वही दवाइयाँ हम लोगों ने एक्सपोर्ट करने की क्षमताएं विकसित की, लाखों बेड्स जो है हमने सारे देश के अंदर विकसित किए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की परिकल्पना के साथ आने वाले भविष्य के अंदर जिस प्रकार से पूर्व में चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को हम लोगों ने जड़ से समाप्त किया है, उसी प्रकार से भविष्य में कोई भी ऐसा अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आती है तो देश और भी ज़्यादा मजबूती से तैयार हो, देश के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सब प्रकार की सुविधाएं हर तरीके से उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। समय की मर्यादा है इसलिए आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय का प्रयोग मैं अपने देशवासियों को और विशेषकर आपके साथ साथ बाकी सब मीडिया के लोगों को भी एक अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि इस समय हम कोरोना के पेंडेमिक में उस स्थिति में हैं जब हम सब लॉकडाउन के बाद अनलॉक की जो विभिन्न फेजेज हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो बहुत बड़ा वर्ग ना हो लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट वर्ग है, जिसको जो सावधानी लेनी है उस सावधानी को लेने में वो लापरवाही कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के अंदर आपने भी अभी दोहराया, प्रधानमंत्री जी के संदेश में भी दोहराया गया, और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये जो मास्क है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रक्षक है, 2 गज की दूरी, हाथों का सैनिटेशन, हाथों की सफाई साबुन और पानी से, और इसके साथ साथ अपने हाथों को नाक मुंह से दूर रखना, और अपने आसपास घर में, अपने इंस्टीट्यूशन में, बाजार में, जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ अच्छी क्वालिटी की सफाई रखना, सैनिटाइजेशन, इन सब बातों का ध्यान रखना। अगर इन सब बातों का अगर ध्यान रखने में हमारी तरफ से चूक होगी तो ये जो COVID-19 के वायरस का जो ट्रांसमिशन है ये निश्चित रूप से तोड़ने में हमको बहुत कठिनाई होगी। और ये भी मैं विश्वास से भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप केवल इन सावधानियों को ठीक प्रकार से, देश के 140 करोड़ लोग अगर इनका पालन कर लें तो निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ बहुत जल्दी हमको निर्णायक विजय भी प्राप्त हो सकती है।
मैं मीडिया के सभी भाइयों से, बहनों से, बंधुओं से सबसे ये अपील करना चाहता हूँ और देश में सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में कृपया ये सुनिश्चित करें कि इस संदर्भ में देश के अंदर एक भी नागरिक किसी भी किस्म की लापरवाही ना करे। और अगर देश के लोग इस मामले में सजग रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी, उनके प्राणों की भी रक्षा हो सकेगी और बहुत जल्दी हम सबको विजय प्राप्त होगी। आपको पुनः बधाई देता हूं और जिन लोगों का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन किया जा रहा है उनको भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। कोरोना वॉरियर्स को हृदय की गहराइयों से फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अंजना जी, जैसा कि आपने कहा ये कैटेगरी है बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 और इसके विनर हैं केरला स्टेट और अवार्ड रिसिपिएंट हैं पिनारे विजयन, हमारे मुख्यमंत्री केरला। कैटेगरी बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉम्बैटिंग कोविड-19 विनर इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली और अवार्ड के रिसिपिएंट हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसमें कोई पक्षपात तो नहीं हुआ है क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर आपका बहुत है इसके साथ, लेकिन मैं भी इसको एंडोर्स कर सकता हूं। जी बोले। नहीं, एम्स ने ऐतिहासिक काम किया है, सारे देश के डॉक्टरों को लगातार गाइड किया है इतनी सारी गाइडलाइंस बनाने में और इतनी बड़ी संख्या में कोविड के मरीजों को बहुत काबिलियत से ट्रीट करने में। मैंने स्वयं अपनी आंखों से पिछले 9 महीने एम्स के कंट्रीब्यूशन को देखा है, मैं एम्स को बहुत बधाई देता हूं। जी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डायरेक्टर एम्स के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर गुलेरिया टेस्टिंग, ट्रेनिंग, वैक्सीन ट्रायल्स, ड्रग ट्रायल्स, कोविड रिसर्च, इस पूरे पैंडेमिक के दौर में जो 89% लोग भी वहां पर आए वो ट्रीट होके ठीक होकर गए, एक अभूतपूर्व काम आपके नेतृत्व में एम्स ने किया है, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं अपने मिनिस्टर जी का आभारी हूं क्योंकि हर्षवर्धन जी के ही नेतृत्व में एम्स इतना आगे बढ़ पाया है। उसके बाद मैं सारे कोरोना वॉरियर्स को याद करता हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी। आज उन लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। एम्स ने शुरू से ही ये कोशिश की कि हम अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखें, हम उसके साथ अपनी रिसर्च भी करें कोविड में और एकेडमिक एक्टिविटीज भी करें। और एक टाइम था जो हमारे पास लगभग 900 पेशेंट दाखिल थे और अभी भी 500 से ज्यादा पेशेंट एम्स में दाखिल हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद अपनी कॉन्टैक्ट फैसिलिटी रखी और हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग शुरू की। 300 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में हम ईआईसीयू ट्रेनिंग कर चुके हैं और हम हर हफ्ते एक ग्रैंड राउंड भी करते हैं जिससे और सारे देश में लोगों को ट्रेनिंग हो पाए। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि एम्स हॉस्पिटल और सारे देश में कोविड का मृत्यु दर जो है वो 1% से कम हो। ये कैटेगरी जैसा आपने कहा बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल कॉम्बैटिंग कोविड-19, इस कैटेगरी में विनर के संदर्भ में टाई हुआ है दो अस्पतालों के बीच में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम और मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली के बीच में। तो दोनों अस्पतालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्राइवेट अस्पतालों ने भी सरकार के साथ मिलकर बहुत सहयोग किया है और इसमें अवार्ड रिसिपिएंट हैं मेदांता की तरफ से डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता, अलॉन्ग विद दिस टीम ऑफ डॉक्टर सुशीला कटारिया एंड डॉक्टर यतिन मेहता। इसी प्रकार से मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत की तरफ से डॉक्टर सहर कुरैशी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बिंदु शर्मा जी जो AGM ऑपरेशंस एंड हेड हैं सपोर्ट सर्विसेज की, वो
इस पुरस्कार को, इस इनाम को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत बधाई है दोनों अस्पताल के सभी डॉक्टरों को। नमस्कार। तो ऐसा है कि मैं ये पुरस्कार जो ले रहा हूँ, एक तो आभारी हूँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का आज तक का कि उन्होंने हमें सम्मान दिया, पर ये जो अवार्ड है ये मेरी ये सारी टीम को जाता है। मैं तो सिर्फ एक बैंड मास्टर हूँ, इनके साथ साथ हमारे सीईओ हैं पंकज सानी जी जिन्होंने सारा मतलब ऑर्गेनाइज बैकअप किया, डॉक्टर यतिन मेहता हमारे चीफ ऑफ चेयरमैन ऑफ क्रिटिकल केयर, डॉक्टर सुशीला कटारिया शी हेड्स दी इंटरनल मेडिसिन, और इनकी टीमों जो इनके साथ लगी रही दिन रात। अभी तक लड़ाई चल रही है 6 महीने से, हमने तो शुरू किया जब इटालियंस आए थे हमारे को भेजे गए, वो 14 इटालियंस की जो सेवा शुरू करी है वो आज तक चलती आ रही है। हमारे यहाँ 80 से ज्यादा क्रिटिकल केयर बेड संभाल रहे हैं डॉक्टर यतिन मेहता और डॉक्टर गोविल, और 300 और बेड्स डॉक्टर सुशीला कटारिया डॉक्टर बनाली दत्ता और पूरी टीम कर रही है और सारा बैकअप कर रहा है। इसलिए मैं इन सबका आभारी हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम इसके लायक बने। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये तिकोनी लड़ाई है, ये लड़ाई है हेडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस प्रोटोकॉल्स जो भी सिस्टम्स बनाए बहुत अच्छे बनाए, लॉकडाउन अनलॉकडाउन ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। दूसरा है जो हेल्थ केयर वर्कर्स की लड़ाई है, वो मैं लाखों लोगों जो लगे हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि ये हमारे सारे भाई बहन जो लगे हुए हैं इस लड़ाई में, उनको मैं पूरी सराहना देना चाहता हूं कि क्या 6 महीने से अपना ख्याल अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए कर लगे हुए हैं और अब से अंत अभी पता नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आप, ये जनता की लड़ाई है, जनता को हमें हेल्प करनी है कि हम गवर्नमेंट कामयाब हो, मेडिकल सिस्टम कामयाब हो और ये इसका हम अंत देखें। अंत जब आएगा, जब जनता समझ जाएगी कि मास्किंग डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन ही हमारा धर्म है जब तक ये कोरोना को खत्म ना किया जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी पब्लिक को जो भी देख रहे हैं कि सबका साथ दे, गवर्नमेंट हमारा सब हेल्थ केयर वर्कर्स का, इसके मिलके हम इसको जरूर खत्म करेंगे। तो पहले मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पूरी सब लोगों का जिन्होंने हमें काबिल समझा कि हमें ये अवार्ड मिले। हमने अपनी पूरी मेहनत करी बिकॉज ये एक नई लड़ाई थी, किसी को पता नहीं था कि किस चीज से लड़ना है, कैसे लड़ना है, मगर सारी टीम ने, क्लिनिकल टीम, सपोर्ट टीम, सबने मिलके एक साथ इस लड़ाई से लड़ाई करी है। दवाइयां भी नई थी, एक्सपेरिमेंट भी थे, मगर सबने एक साथ मिलके काम किया और रिजल्ट आज ये है कि हमारे सारे मरीज जो है अच्छी तरह ट्रीट होके जा रहे हैं, आउटकम बहुत अच्छा है। और जितना भी जो भी नई नई चीजें थी, प्लाज्मा था, रेमडेसिविर था, सब जो है सही टाइम पे सही तरीके से यूज किया गया, जिसका ही एक कारण था कि हमारे मरीजों को इतना अच्छा सक्सेस रेट मिला। और मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी चल रही है। तो अभी हमें सारे जितने भी हमारे प्रिकॉशंस हैं, जैसे सर ने कहा हैंड हाइजीन के, मास्क के, वो सब हमें अभी कंटिन्यू रखने हैं, तभी हम इसके ऊपर पूरी 100% तरीके से ही जीत पाएंगे। हम इसको कैटेगरी है बेस्ट चैरिटी हॉस्पिटल कॉम्बैटिंग COVID-19 और इसके विनर हैं CMC वेलोर। बहुत बहुत बधाई CMC वेलोर को। ये अस्पताल कम खर्चे में बेहतरीन सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है, हाई क्वालिटी सर्विसेज, हाई क्वालिटी रिसर्च और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में से है जिसको, जिस पर देश को गर्व है। अवार्ड रिसिपिएंट हैं डॉक्टर JV पीटर, डायरेक्टर ऑफ CMC वेलोर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। द कोविड कमांड सेंटर वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सेंट्रल फैसिलिटी, ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर जोन फैसिलिटी, वेयर वी हैड ऑल द सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल कमांड सेंटर, राइट फ्रॉम एडमिशंस टू मैन पावर मैनेजमेंट to contacting the patients, contact tracing, quarantine, everything was done from the command center. So we had 70 staff distributed in 3 floors who coordinated these activities, and we had 910 beds
for COVID, and so far we have treated over 7,500 patients in our hospital. Best corporate contribution for social impact during COVID-19. और विनर है रिलायंस फाउंडेशन, और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड रिसिपिएंट हैं जगन्नाथा कुमार, सीईओ रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में उन्होंने सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए, चाहे वो मास्क बनाकर देश में बांटने का काम हो, चाहे गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध कराना हो, जितने आयाम हो सकते हैं उन सब में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दूसरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ मिलकर। बहुत बहुत बधाई सबको। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। I'd like to thank the organizers and the jury of India Today Healthgiri Award for honoring Reliance Foundation with this award. I accept this award today on behalf of all our caregivers, healthcare professionals and frontline staff from Reliance who have worked tirelessly over the last several months in addressing this and mitigating the challenges that have been there on the ground. The outbreak of COVID-19 pandemic has resulted in an unprecedented shock affecting millions of lives in a very short span of time, as all of us know. Through the years, Reliance Foundation has built a strong network across several states that enabled us to respond swiftly when the outbreak began in early March. Our teams were able to provide on-ground support to millions of people to take care of the immediate challenges, to address the immediate challenges in a holistic manner. Tremendous efforts have been made in the health space, particularly to fight COVID-19. As Honorable Minister mentioned, we have set up specific COVID facilities. In fact, we had set up a 250-bed COVID facility in a record time in Mumbai. We had set up isolation centers and were able to make masks and PPEs available in large numbers in times of crisis. In addition, again, as Honorable Minister mentioned, we have actually distributed and reached out to more than 2 million people in providing meals to them at a time when people were struggling to get access to reasonable rations and food. We at Reliance Foundation did not stop there, and we have even gone beyond that in terms of addressing the challenges that people have faced either because of reverse migration or otherwise during this period of 6 months that we have seen in terms of meeting their livelihoods requirements and so on. As we adjust to new realities, our foundation is committed to working with the needy. And once again, on behalf of entire Reliance team, I extend sincere thanks for recognition of our efforts. Thank you. ये तो सारे देश के लोग अच्छी तरह से अभी तक गेस कर चुके होंगे, क्योंकि सारे देश के लोगों ने इस सेलिब्रिटी को दिन रात सड़क पर बड़े पैमाने पर मजदूरों की चिंता करते हुए देखा है। एक दो सौ दो सौ नहीं, लाखों मजदूरों की सेवा में सेवारत इनको देखा। इस कैटेगरी में सेलिब्रिटी हु हैज़ डन एग्जेम्पलरी वर्क ड्यूरिंग COVID-19, जैसा कि आप सब ने गेस किया है, सोनू सूद, एंड ही इज हिमसेल्फ रिसीविंग द अवार्ड टुडे। शक्ति अन्नदानम शुरुआत हुई थी, और अब तो लगता है कि बिहार और यूपी में अगर आप चुनाव लड़ जाएंगे सोनू जी, तो सबको पीछे छोड़ देंगे। इतनी लोकप्रियता आपकी हो गई है सोनू जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर सर, रियली रियली मींस अ लॉट। एंड आप हमेशा इंस्पायर करते आए हैं हमें, और बोलते हैं कि कई बार भगवान जो होता है चुनता है आपको कोई अच्छा काम करने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि ऊपर वाले ने मुझे चुना इन सब लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आज मुझे ऐसा लगता है कि बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड, झारखंड, कहीं भी हो, हर घर के अंदर मेरा एक परिवार का एक सदस्य है, और मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ और हर रोज उनसे बातें होती हैं। मुझे ये अवार्ड रिसीव करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। मुझे मेरी मदर के वो शब्द याद आते हैं कि आप उस समय कामयाब हो गए जब आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो जो इनको पता नहीं है मदद करने। मैं
अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन किरदार निभा पाया हूँ। फिल्में बहुत सारी की, रोल्स बहुत सारे किए, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रोल था। और आज जब ये अवार्ड आपसे रिसीव हुआ है, सो मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अरुणपुरी सर, द होल इंडिया टुडे ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस ऑनर, मीन्स अ लॉट। और मुझे और एनकरेज करता है कि मैं ऐसे ही जो ये जिंदगी की जो जर्नी शुरू की है, ऐसे ही इस पर चलता रहूं, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलता रहूं, और आगे बहुत सारे परिवारों के साथ और जुड़ना बाकी है। मैं कुछ दिन पहले ही सोच रहा था, यू नो, अभी मेडिकल सर्जरीज हम लोग कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन में भी कुछ कर रहा हूँ, रोजगार में भी कर रहा हूँ। सो मुझे कभी पता नहीं था, मैं इंजीनियर हूँ, पता नहीं था कि मैं ये सब कर सकता हूँ। लेकिन ये एहसास हुआ कि जब आप किसी की मदद करने के लिए कदम उठाते हैं, तो आपको आपकी असली ताकत का अंदाजा तब होता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था, और मैं इस लेसन के जरिए आगे चलता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि जैसे आप वर्ल्ड को पूरे इंस्पायर करते आए हैं, रास्ता दिखाते आए हैं, मैं भी उसी रास्ते पर किसी कोने में यू नो अपनी जगह बनाते आगे बढ़ता जाऊं। सो थैंक यू सो मच सर, रियली रियली मींस अ लॉट, एंड इट इज अ वेरी स्पेशल डे। थैंक यू सो मच। बेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर COVID-19 की कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तरफ से अवार्ड के रिसिपियंट हैं प्रोफेसर प्रिया अब्राहम, जो डायरेक्टर एंड साइंटिस्ट जी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। एक लैब से देश में 1869 लैब्स तक भारत की टेस्टिंग फैसिलिटी की COVID-19 के लिए यात्रा को ले जाने में ICMR के साथ मिलकर जिसने लैब ने इसका नेतृत्व किया इस काम का, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। देश के लोगों को मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि अब से कुछ साल पहले तक इस लैब को, इस टेस्ट को करने के लिए जो स्वैब है वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका में एटलांटा में जाया करता था, और आज इतनी विषम परिस्थितियों में NIV पुणे, जिसने पहले 3 केसेस को डायग्नोज किया था कोविड के जो भारत में आए, बाद में वायरस को भी आइसोलेट किया, 700-800 जो देश में लोगों ने किट्स बनाई उनको वैलिडेट करने के काम को किया, और पता नहीं कितना सारा रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ काम बहुत सफलतापूर्वक किया। आज देश में 3 किलोमीटर कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो लैब की टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध है, और इस सब का बहुत महत्वपूर्ण श्रेय NIV पुणे को जाता है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इनको जब आपने, आपकी जूरी ने इस अवार्ड के लिए चुना है। ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, रिस्पेक्टेड अरुणपुरी, मिस अंजना एंड ऑल माय फेलो पार्टिसिपेंट्स, इट इज इंडीड अ प्राउड डे, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ICMR NIV फैमिली I would like to express our sincere gratitude to India Today for giving us the Best Testing Facility Award today. We were able to set up this facility because of our preparedness. We started preparing to test for this unknown virus as early as the middle of January. We started trying different primers that we had, and therefore we were able to detect the first case that came into India by January 30th. Today we have completed 5 lakhs almost of testing. As Honorable Minister said, we are empowering more than 1,000 different laboratories with the real-time PCR tests that we have developed. We have sent out 57 lakhs of PCR reactions to the length and breadth of this country. And our testing assay has got a 100% score with the World Health Organization's External Quality Assurance Scheme. I'm deeply grateful to a number of my scientists. Since this is for the best testing facility, I would like to particularly thank Dr. Varsha Podhar, Dr. Manohar Chaudhary, Dr. Pragya Yadav, Dr. Gajanan Saptal, Dr. Kavita Lole, Dr. Alagarasu, Dr. Sumit Bhardwaj,
Dr. Atanu Basu and Dr. Sarah Cherin, and there are many more other scientists who helped me in this achievement. ICMR NIV has in dedication served in the past, and we will continue to serve the nation. Category Best NGO that extended timely help to migrants during COVID-19. Rashtriya Seva Bharati. Award recipient Panna Lal Bhansali Ji, President Rashtriya Seva Bharati. इस संगठन को पिछले 40 साल से अभावग्रस्त इलाकों में निस्वार्थ सेवा करते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और इस कोविड के दौरान भी देश की अनेकों संस्थाओं के साथ इस संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, माइग्रेंट लेबरर्स को हेल्प करने वाले वर्कर्स थे, सभी के लिए रहने का स्थान, सभी के लिए खाने की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मैं इनको और इनके साथ साथ और देश में बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने इस तरह के काम किए उनको सबको बधाई देना चाहता हूं। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, श्री अरुण पुरी जी, चेयरमैन इंडिया टुडे ग्रुप एवं सभी दूरदर्शन के उपस्थित सदस्य बंधु भागिनी। जैसा कि राष्ट्रीय सेवा भारती के नाम से इंगित है कि सेवा हमारा परम लक्ष्य है और सेवा ही सेवा के नाम से हमारा संगठन चलता है। सेवा परमो धर्म, इसको मानते हुए हमने इस कोविड काल के अंदर में बिना भय किसी तरह की कोई चिंता किए हुए पूरे राष्ट्र के अंदर में बहुत बड़ा काम कर पाए, इसके लिए हम सब बहुत खुश भी हैं और बहुत गर्वित भी हैं। मैं थोड़ा सा आपको डाटा शेयर करूंगा संक्षिप्त में। हमने करीबन 92,000 स्थानों पर काम किया, हमारे करीबन 5,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें कार्यरत थे। जिन परिवारों को हमसे फायदा मिला राशन किट के रूप में, ऐसे परिवार के 73,71,000 हमने भोजन तैयार करके कुछ ऐसा ही घरों में कुछ बूढ़ों के परिवार उस समय पहुंचाने के लिए 4,66,00,000 से ज्यादा भोजन का वितरण हुआ। 90,00,000 के करीबन हमने मास्क बांटे। होम एसआई निवास के लिए हमने करीबन 1,92,000 जगह पे आवास की व्यवस्था की। रक्तदान के लिए 60,000 से ज्यादा हमने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, जहाँ लोगों के मन में भय था हमने अपने एम्बुलेंस भेज के उस तरह की व्यवस्था कराई। आदमी की इम्यूनिटी भरे उसके लिए करीबन 60,00,000 से ज्यादा काढ़ा का वितरण हुआ। नॉर्मेटिक पीपुल जो गुमंतक जनजाति के लोग हैं उनके लिए 2,70,000 के करीबन कार्य हुए। प्रवासी मजदूरों के लिए मैं खासतौर से आपको बताना चाहूंगा, उनके लिए भोजन वितरण के लिए हमने 1,778 सेंटर्स का जगह जगह पे निर्माण किया। वो हाईवे पे थे, अलग अलग बस अड्डो पे थे, रेल स्टेशन पे थे, और जो परिवार हमसे बेनिफिटेड हुए मजदूरों के अंदर में वो करीबन 47,00,000 थे, 44,86,000। उनको दवा की सुविधा देने के लिए हमने 483 केंद्र पूरे देश में खोले, उसमें से करीबन 150 मजदूरों को फायदा मिला। सहायता केंद्र भी हमारे 935 थे और सेवित परिवार करीबन 10,00,000। ये कैटेगरी बेस्ट एनजीओ ऑफरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज ड्यूरिंग कोविड-19, इसमें विनर है कैरिटास इंडिया। अवार्ड रिसिपिएंट फादर पॉल मुंजली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैरिटास इंडिया। बहुत बहुत आपको बधाई कैरिटास इंडिया एंड फादर पॉल। थैंक यू फॉर द अवार्ड। कैरिटास इंडिया इज द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स under the aegis of our Catholic Church in India. We are honored and humbled by this award on this beautiful day of Gandhi Jayanti. Thank you for this Healthgiri Award. I dedicate this award to our health warriors and volunteers, both at the community and institutional levels. Our medical colleges, tertiary hospitals, and community workers did a commendable job in reaching out to the peripheries and serving the poor, all out of love and humanitarian concern, because we believe that Manava Seva is Madhava Seva. We pitched in with the 5-point strategic orientations: be trained, be informed, be cautioned, and be compassionate. We reached out
to almost 64 lakh people through our partner networks. Jee. And we serve the community, the institutions, the first level treatment centers, the COVID warriors, and the government institutions, including the police force. And we are happy for this award, and we rededicate ourselves to the continued commitment and service for humanity. Thank you. Thank you so much. What a noble cause. Category Best Innovation for COVID-19 Related Activity. Winner is MyLab Discovery Solutions Private Limited. And award recipient is Dr. Hasmukh Rawal, Managing Director, MyLab Discovery Solutions Private Limited. देश में जब विदेशों से किट्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा था टेस्टिंग के लिए, बहुत महंगी उपलब्ध होती थी, उस समय देश में किसी ने सबसे पहले भारत के लिए टेस्टिंग किट को डेवलप किया और फिर बड़ी मात्रा में उसको देश के लिए उपलब्ध कराया, तो वो निश्चित रूप से MyLab Discovery Solutions Private Limited थी। मैं उनके सभी वैज्ञानिकों को, उनके सभी साथियों को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। There can be no bigger honor than to be recognized on a day so auspicious. We are thankful to India Today, Honorable Minister Sir, jury and eminent personalities for recognizing our effort. From a diagnostic industry standpoint, we believe that Corona is the catalyst which has made us as Atmanirbhar in diagnostics. And we should all recognize that this has happened because of ecosystem of private and public stakeholders came together to solve the problem. From here, we see that there is not far from here when companies from India will work with agencies like WHO to implement a testing program worldwide at an affordable cost. We started this with a single motto at MyLab, affordable diagnostic for all. And we are hopeful that we'll work with all the stakeholders to truly realize Vasudeva Kutumbakam for in diagnostic for our country and the nation, world. Category Best Logistics Service Provider during COVID-19. Winner is Department of Posts, Ministry of Communications. Award recipient, Sri Charles Lobo, Member Operations, Department of Posts, Ministry of Communications, and Sri Pradipto Bisoi, Secretary Posts. इतनी विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों को खतरे में डालकर Department of Posts के हमारे कर्मचारी हमें अपने हमारे घर तक, हमारे लिए चाहे वो पत्र हो, चाहे वो पार्सल हो, चाहे वो मनी ऑर्डर हो, चाहे वो दवाइयों के पैकेट हो, सब कुछ अपने प्राणों को खतरे पे डालकर इतने सुलभ ढंग से उन्होंने हमें उपलब्ध कराया, निश्चित रूप से वो अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो लोगों को दवाई पहुँचने में हो या पैसा पहुँचने में हो या इवन खाना भी पहुँचने में है, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये जो हमारे ये जो काम हम लोगों ने किया है, ये मतलब ऐसे ही, मतलब हमारे जो 4 लाख एम्प्लॉई है पूरे लोग, एक जैसे ही हमारा बंद शुरू हुआ उसी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई एक दिन बंद नहीं हुआ है, रात हो दिन हो हम लोगों ने काम किया है। और मैं ये हमारे जो ये जो आवर है आज, ये हमारे जो 4.5 लाख एम्प्लॉई है, ये सबको मैं डेडिकेट करता हूँ। और जो इसमें से हम लोग, हमारे कुछ साथी भी स्वर्गवास हुए हैं कोरोना के वजह से, उनको भी मैं याद करता हूँ कि भाई उनके वजह जो आज हमें ये अवार्ड मिल रहा है। और जैसे हमने बोला कि ये खाली हम लोगों ने पैसा ही नहीं पहुंचा, मतलब दवाई नहीं पहुंचा, हमने कोविड टेस्ट भी पहुंचाया, हमने वेंटिलेटर भी पहुंचाया, हमने और बहुत सारे चीज जो एसेंशियल आइटम्स वो भी पहुंचाए हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसी जमाने में जो एग्रीकल्चर लोगों को साथ देने के लिए उनका मैंगोज भी हमने लिए हैं, उनका लीची भी हमने ट्रांसपोर्ट किया है एक जगह से दूसरे जगह। तो और जो है हम लोगों ने 10 लाख लोगों को खाना भी खिलाया है। हमारा जो मेल वैन है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये किया था कि वाराणसी में जब कुछ गाड़ी का जरूरत पड़ता था तब हमारे जो मेल वैन को लगा के हम लोगों ने खाना भी पहुंचाया। हमारे लोगों ने भी खुद अपने पैसे से लोगों को खाना भी खिलाया है, 10 लाख लोगों को हमने खाना भी खिलाया है। तो और सारे ये इस कोरोना के दौरान ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ लोगों को हमने 5,000 करोड़ उनके घर में भी लेके दिया है। जो लोग बैंक नहीं आ सकते हैं उनको हमने घर में भी ये पैसा लेके दिया है। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, दोबारा ये जो अवार्ड आज का जो अवार्ड है ये दोबारा हम मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी विजेताओं को हम एक बार आखिर में दिखा सकते हैं। आप सबकी बदौलत ये देश इस मुश्किल घड़ी में भी आगे बढ़ता रहा।
और अनेकों ऐसे चेहरे जो शायद यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन सब के बलबूते कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम एक देश के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और हर हाल में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत धन्यवाद आपका, अरुण पुरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हेल्थ गिरी अवार्ड्स में शामिल होने के लिए।